दो चरणों के मतदान के बाद अब इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपका यह अपार समर्थन कुछ लोगों को पराजय पहले से ही स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब सो नहीं पाते होंगे, इन लोगों को अब अपनी गलती का पछतावा होने लगा है। वे अब सोच रहे हैं कि इससे तो अच्छा तो था कि अकेले ही लड़ लेते, कम से कम कुछ कहने के लिए तो बात बच जाती। कहां 50-50 का खेल खेलने चले थे और कहां कब असली मैच शुरू होने से पहले ही जनता ने पैवेलियन वापस भेज दिया है। एक को पहले बॉल में निकाल दिया, दूसरे को पहले और दूसरे दो बॉल में पूरा कर दिया। दो चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा टीवी में इनकी शक्ल सूरत, ऐसा चेहरा लटक गया है, ऐसे बौखलाए हैं। पहले जो गालियां मुझे नहीं देते थे, हम नहीं दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा कर रहे हैं, सरकार पे गुस्सा कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जो भी महामिलावटी है सब चिल्लाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो अभी से ईवीएम मशीन को गाली देना भी शुरू कर दिया है। ये जब शुरू हो जाए तो समझ लो कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि अब जनता उनके साथ नहीं है। आपने देखा होगा घर में बच्चा भी जब एग्जाम देने जाता है और अच्छा कुछ करके नहीं आता है तो रास्ते में सोचता है कि मम्मी पापा को आज क्या समझाऊं, और वो आकर के समझाता है कि आज बेंच हिलती थी, टेबल ठीक नहीं था, पेन बीच में खराब हो जा रही थी, बाजू में एक लड़का था बहुत गड़बड़ कर रहा था, इसलिए लिखने में मजा नहीं आई। वो वातावरण बना देता है ताकि जब रिजल्ट आए गड़बड़ हो जाए तो माँ बाप ज्यादा गुस्सा न करे। इस चुनाव में भी दो चरण के बाद हमारे सारे विरोधी कारण ढूंढने में लगे हैं अभी से कि भाई पराजय के कारण तैयार करो। ये ऐसा मोदी रोलर आया है कि सब साफ हो रहा है। आपके यहां भी यही माहौल है ना, चारों तरफ यही माहौल है ना।